नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक ट्रक से मांजा और सिगरेट के बॉक्स हुए बरामद, पुलिस ने लाखों का माल किया जब्त। दो अज्ञात युवकों ने 1.5 लाख रुपए लूटे, युवक ने बैंक से निकाले थे 1.5 लाख रुपए। और ओबीसी आरक्षण की मांग करते वंचित बहुजन आघाड़ी ने निकाला मोर्चा, पुलिस ने प्रकाश आंबेडकर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर मांजा और सिगरेट के पैकेट जब्त किए हैं। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में नायलॉन मांजा ले जाया जा रहा है, इस आधार पर पुलिस ने लाखों का माल जब्त किया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी चिन्मय पंडित को गुप्त जानकारी मिली थी कि किसी ट्रक में बड़े पैमाने पर नायलॉन मांजा ले जाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर एक कैरेज में ट्रक खड़ा था, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस को 2 बॉक्स मांजा और कुछ सिगरेट के बॉक्स मिले। जब्त किया गया मांजा 60 से 70 हजार का बताया गया, जबकि सिगरेट की कीमत 7 से 7.5 लाख रुपए बताई गई। आगे की जांच जारी है, जिसके बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत सीए रोड पर HDFC बैंक से एक युवक ने 1.5 लाख रुपए निकाले। इसी दौरान आम्बेडकर चौक के मेट्रो ऑफिस के पास पीछे से 2 युवकों ने बैग छीन ली और फरार हो गए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आज एक इसम 12:05 के दरम्यान बँकेतून पैसे काढून बँक आपल्या बॅगेत घेऊन जात असताना पाठीमागून 2 इसम आले आणि त्याची 1,50,000 बॅग हिसकून पळून गेले। आरोपींचा शोध सुरू आहे, शोध सुरू असताच पुढील माहिती देण्यात येईल। कितीची रक्कम होती काय सांगता? मुंबई में शीत सत्र के दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने विधान भवन पर मोर्चा निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उग्र होता देख पुलिस ने प्रकाश आंबेडकर समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ओबीसी आरक्षण की मांग अब तेज हो गई है। आरक्षण के मांग के लिए कई पार्टियों द्वारा मोर्चे आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं मुंबई शीत सत्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे ने जोर पकड़ा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए विधान भवन पर मोर्चा निकाला। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं को उग्र होता देख प्रकाश आंबेडकर समेत पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि सरकार ने ओबीसी जनगणना करनी चाहिए और आरक्षण देना चाहिए। जनगणना झाली की ओबीसीचं आरक्षण मिळतं, त्यांना असणारा जर प्रामाणिकपणे करायचं असेल तर सेशन चालू आहे। तर सेशन मध्ये त्यांनी एक कायदा मंजूर करावा, हे सुप्रीम कोर्टाच्या नियमाप्रमाणे जात ओबीसीचा जनगणना आणि सेन्सस रिपोर्ट त्या ठिकाणी येतो की तो सुप्रीम कोर्टात त्यांना सादर करून पुन्हा ओबीसीला आरक्षण मिळून घेता येतं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग सेल के नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल कोटेचा को यहां तिलक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पटोले ने उम्मीद जताई कि पदभार संभालने के बाद कोटेचा उद्योजकों और व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने में जुट जाएंगे। उन्होंने कोटेचा को राज्य का दौरा कर व्यापार उद्योग जगत की समस्याओं से रूबरू होने की सलाह दी। इससे व्यापारी वर्ग की समस्याओं को विस्तार से जानने का मौका मिलेगा और पार्टी फोरम पर उनके समाधान के लिए त्वरित प्रयास की प्रक्रिया शुरू होगी। पटोले ने नागपुर में उद्योजकों और व्यापारियों का एक सम्मेलन आयोजित करने पर भी जोर दिया। पदग्रहण के पश्चात आभार व्यक्त करते हुए कोटेचा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। उद्योजकों और व्यापारियों की लंबे अरसे से चली आ रही रोजमर्रा की कई समस्याओं से एक व्यापारी होने के नाते मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ।
पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर इनके निवारण का प्रयास करूंगा। पदग्रहण के अवसर पर प्रमुखता से पूर्व मंत्री अनीस अहमद, विधायक व नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे, विधायक शिरीष नाइक, प्रदेश महासचिव व उत्तर भारतीय मंच के मुखिया उमाकांत अग्निहोत्री, प्रदेश सचिव राजा तिड़के तथा उमेश डांगे आदि उपस्थित थे। वर्धा में पेट्रोल पंप हटाओ कृति समिति द्वारा सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ अनशन शुरू है। इस अनशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। वर्धा शहर का केंद्र बिंदु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिविल लाइन पुतले के पास पुलिस वेलफेयर अंतर्गत पेट्रोल पंप बनाकर इस परिसर का सौंदर्यकरण नष्ट किया जा रहा है। पेट्रोल पंप की जगह स्थलांतरित करने की मांग के लिए सरकार, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक प्रशासन के विरोध में श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू है। इस अनशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए मांग और तेज होने की बात पेट्रोल पंप हटाओ कृति समिति कार्यकर्ताओं ने बताई। बघा, आज आंदोलन सुरू होऊन, म्हणजे साखळी आंदोलन सुरू ना 100 दिवस झाले, त्याच्या आधीपासून सुद्धा आंदोलन सुरू आहे। आज जवळपास 6 महिने होत आहे त्या पेट्रोल पंप हटवण्यासंदर्भात। संपूर्ण शहरातील जनता, म्हणजे जे बाबासाहेबांना मानणारी आणि बहुजन महापुरुषांना मानणारी जी जनता आहे, ते आज या अन्यायाविरोधात कंटिन्यू लढत आहे, आपल्याला दिसत आहे। पण 100 दिवस झाले साखळी उपोषणाचे, आम्ही रोज इथे येऊन बसतो आणि प्रशासनाचा निषेध करतो। आज संपूर्ण वर्धेचा जर इतिहास बघितला तर संपूर्ण वर्धेच्या इतिहासामध्ये, म्हणजे शेतकरी आंदोलनाच्या नंतर सगळ्यात जास्त काळ चाललेलं आंदोलन हे आता हे पेट्रोल पंप हटाव कृती समितीचं, जे पेट्रोल पंप हटवण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे, ते आंदोलन आज बघा की 100 दिवस झाले किंवा 6 महिने झाले तेव्हापासून कंटिन्यू आंदोलन सुरू आहे। आणि हे आंदोलन तेव्हापर्यंत सुरू राहणार नाही, म्हणजे सुरू राहणार जेव्हापर्यंत हा पेट्रोल पंप इथनं स्थानांतरित होणार नाही। आज हे प्रशासन, म्हणजे ते सरकार असो की स्थानिक प्रशासन असतो, हे पूर्णपणे मुर्दार प्रशासन आपण ज्याला म्हणतो, ते मुर्दार प्रशासन या आणि या प्रशासनावर जे राज्य करणारे जे अधिकारी आहेत, ते म्हणजे अधिकारी हे किती मुर्दार आहेत आणि हे बाबासाहेबांचं किती द्वेष करतात, हे आज त्यांनी हे आपल्या जे आमच्यावर जे अन्याय होत आहे। बघतो, चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय सेवक कृती समिति और विदर्भ अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों के लिए महात्मा गांधी पुतले के पास अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू रखने की चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन का काम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन का काम बंद आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 7वां वेतन आयोग लागू करना चाहिए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कर्मचारियों ने कही। जर शासनाने जर या मागण्या जर मान्य केल्या नाही याच्यानंतर सुद्धा फार कडक भूमिका घेतली जाईल, कारण की वेळोवेळी 17 ते 18 वर्षापासून शासन जे वेळ काढू धोरण अवलंबित आहे, त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जे भेटी धरत आहे ती बाब शासनासाठी नेहमी उदासीनताची बाब आहे। आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास आमचे 11,000 कर्मचारी असून सुद्धा आमच्याशी हे जे पोरकाडपणा जो वेळ घालत आहे त्याच्यासाठी शासनाची भूमिका जी आहे ती गंभीर भूमिका घेतली पाहिजे, कारण की नेहमी हा शिक्षकेतर कर्मचारी हा नेहमी एकत्रित संघटितपणे लढणारा असून, आमचे जे 20 मुंबईपासून तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास आमचे 21,000 कर्मचारी यामध्ये असून त्याच्यामध्ये सुद्धा यांनी असं केलं आहे की त्याच्यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांना लावलं आहे आणि हे जे वेळ काढून धोरण अवलंबिले आहे त्यासाठी नेहमी आमच्या शासनाला विरोध करतो, आणि आमचे जर समजा या मागणी जर मान्य केली नाही तर आम्ही याच्यानंतर सुद्धा
हा जो लढा आहे कायमस्वरूपी लढून काही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा करण्याचा जो निर्धार व्यक्त केला आहे। मुंबई महानगरपालिका के सावित्रीबाई फुले प्रसूति गृह में 4 दिन में 4 बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। बच्चों की मौत इन्फेक्शन की वजह से होने का प्राथमिक अंदाज लगाया गया। मेटर्निटी होम सावित्रीबाई फुले प्रसूति गृहामध्ये गेल्या 4 दिवसात 4 नवजात शिशूंचे मृत्यू झाले आणि 4ही मृत्यू हे अनाकलनीय कारणामुळे झाले। डॉक्टर म्हणतात की हे इन्फेक्शन आहे, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे, कशा पद्धतीचं आहे, पण महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये ही परिस्थिती खूप दयनीय आहे। राज्य सरकार ज्या पद्धतीने ह्या घटनेवरती राज्य सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे असं कुठलंही लक्ष दिलं गेलं नाही आहे। ज्या पद्धतीने 4 दिवसात 4 नवजात शिशु एका वेगळ्या कारणोसर आणि 4ही एकसमान घटना गंभीर याच्यासाठी आहे की हे इन्फेक्शन एकसमान झालेलं आहे आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल, त्यांचा स्वॅब घेतला, त्यांचा रिपोर्ट होतो आहे। टोटल 7 शिशूंना ही बाधा झालेली आहे आणि निश्चित असणाऱ्या शिशूंची अवस्था फार गंभीर आहे। आज इथे आम्ही भेट दिली आहे महानगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात। महानगरपालिकेने तात्काळ कार्यवाही केली पाहिजे होती, इतर शिशूंचे प्राण वाचवण्यासाठी सरसावली पाहिजे होती पुढे, परंतु महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार अजूनही ढिम्म आहे या बाबतीत। त्या बाबतीचा आम्ही निषेध करतो आहे आणि रितसर कायदेशीर कारवाई पोलीस कंप्लेंट सहित आम्ही इथे करणार आहोत। नवजात शिशू जे दगावलेत ते 7 दिवसाचे 9 दिवसाचे एवढे छोटे जस्ट जन्माला आलेले बाळ आहेत आणि निश्चित महानगरपालिकेने ही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे। जर एसीनी हे दगावले, एसीच्यामुळे काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं आणि ते दगावले असतील, 22 ऑक्टोबरला डॉक्टरांच्या सांगण्याप्रमाणे काहीतरी शॉर्ट सर्किट झाली, त्यामध्ये धूर निघाला, पण तो वॉर्ड अजून चालू का ठेवला? आपल्याकडे जर कुठल्या सिस्टीममध्ये बिघाड झाला तर निश्चित शिशूंना दुसऱ्या ठिकाणी हलवलं पाहिजे। त्याच वॉर्डात ठेवून त्यांच्या प्राणाशी खेळण्याचा महापालिकेला कुठलाही अधिकार नव्हता आणि त्यामुळे ह्यावरती रितसर कायदेशीर कारवाई आम्ही करणार आहोत, पोलीस स्टेशनला याची तक्रार करणार आहोत। पुलिस होने का बताकर लाखों रुपए लूटने वाले आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद किया। न्यू मुंबई स्थित एरोली के एल्यूमिनियम मटेरियल कंपनी के 2 कर्मचारी कंपनी की 25,32,500 रुपए रकम ले जा रहे थे। इस दौरान बुलेट से 2 व्यक्ति आए और खुद को पुलिस बताकर कंपनी के लोगों से रकम ले भागे। मुंबई अपराध शाखा पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। एक और मारुति स्विफ्ट डिजायर और एक बुलेट जब्त की गई। आम्ही तसे आणखी प्रयत्न करणार आहे पिशवीवर घेण्याची आणि बाकी जे काही पैसे त्यांनी खर्च केलेले आहेत, काही पैसे जे त्यांनी पडून गेले इथे घेऊन त्यांनी आपसात वाटप केले, काही पैसे खर्च झालेले आहेत, तरीसुद्धा आणखी आपल्याला किती पैसे आपल्याला रिकव्हरी करता येईल त्यासाठी प्रयत्न आमचे राहणार आहेत। आणि इम्रानवर 3 गुन्हा आहे, पूर्वीचे डी एन नगर पोलिसांचे गुन्हा आहे, मुंबईचे वशिवरामध्ये गुन्हा आहे मुंबईची आणि कुरार पोलीस ठाणे मुंबईमध्ये असं ते 420 आणि अशा प्रकारचे केसेस आहे आणि ही इज द मेन सूत्रधार आणि सर्व तो करणारा तोच आहे। याचे जे टीप आहे ते जे पलटून बंगाली तो जो मालक आहे कंपनीचे, त्याचे जो ड्रायव्हर आहे, तर त्याने टीप दिली आणि ह्या लोकांनी ते पैसे जे घेऊन गेले ते पोलिसची बतावणी करून गेले होते। ते सर्वात महत्त्वाचे आहे, ते पोलिसांसारखं वागायचे, पोलीस आणि पोलीसवाले आहे, पोलीसचे हे करून ते पडून गेले होते, तरीसुद्धा आमच्या लोकांनी त्यांना वेळेवर पकडून एवढं चांगली रिकव्हरी केलेली आहे। सर्वांच्या अभिनंदन, थँक्यू। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि हैदराबाद का नाम यदि भाग्यनगर किया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कहना है केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे का जो नागपुर दौरे के दौरान बोल रहे थे। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पुराने नामों को बदलकर नए नाम रखे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद अपनी भावनाएं सुरक्षित रखने के लिए नाम बदला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी बहुत पहले से मांग कर रही है कि औरंगाबाद का नाम श्री संभाजीनगर किया जाए। रेलवे मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि गांव का नाम बदला जाता है तो स्टेशन का भी नाम बदल जाएगा। आगामी समय पर रेल का नाम भी भाग्यनगरी के नाम से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे हैं। हर आदमी की तबीयत खराब हो सकती है, वह जल्द स्वस्थ होकर जल्दी आए।
रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में परकियों ने जो आक्रमण किए हैं और हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंची है और पुराने जो नाम थे वो नाम चेंज किए हैं, तो उसमें अगर आप अपन स्वतंत्र में होने के बाद अगर आप उन कुछ अपनी भावना सुरक्षित रखने के लिए अगर ऐसा नाम चेंज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, हम उनके तबीयत के बारे में कभी गलत नहीं बोल सकते। तबीयत तो हर आदमी की ख़राब हो सकती है। हम तो ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आके इस महाराष्ट्र के सेवा में, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में जल्दी आए। बिल्कुल रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये मैं कई बार बोला हूँ और हमारे मंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में भी बोला है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।